Hello friends, today we will be talking about the solutions of the questions which came in JEE Main's 2019 in the January session. There were total 8 sessions, and in those 8 sessions around 18 questions were based on optics. I'm including both ray and wave optics in this. So let us start the discussion. The idea is it's not a very difficult part as such, but some questions were typical, otherwise it was generally very easy. Agar aap dekhenge toh. This is about us. Moving on, let's look at this question. I've written some part of the solution. Let's look at it the way when I solve this now. So we have a convex lens. So this question came in 9 January paper in the morning. Take care. We have a convex lens which is put 10 centimeter from a light source, which is basically an object. And it makes a sharp image on the screen. There is a screen over here. And it is making a sharp image on the screen, which is again kept at 10 centimeter from the lens. And obviously, on the basis of this information, we will be able to infer what is the focal length of this lens. Because we know object distance and image distance, so we can see the lens ki focal length. If we look at the lens ki focal length, how much will it be? We use this formula to use the lens ki focal length. Object distance is minus 10 and image distance is again plus 10. And upon minus 10, minus 10, so it's basically 5 centimeter. If you look at the lens ki focal length hai 5 cm aa jayegi. Ab humne kya kiya hai, basically humne ek glass slab yahan pe place kiya hai. To ab is glass slab ko place karne ki wajah se kya hoga ki jo image, ye object hai, ye object will shift a little closer to the glass slab. Aisa kyu hota hai? Agar aap rays ko dekhenge to aise rays jaati hain, तो फिर इनको दोबारा से आप वापस ट्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से नज़र आएंगी. तो आप देख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब. अगर आप देखेंगे तो एंड वो शिफ्ट का फॉर्मूला ये होता है. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू नो दिस फॉर्मूला. सो ये इन जनरल आपको पता होना चाहिए. इस फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो इस जो ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस है 1.5 माइनस जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वो भी 1.5 है. दिस विल मेक द वैल्यू ऑफ दिस गो टू 0.5 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है दैट विल शिफ्ट बाय 0.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अगेन दोबारा अगर ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज हमें स्क्रीन पे चाहिए तो स्क्रीन को कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा. तो अगेन इट्स क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन. नाउ ऑब्जेक्ट की पोजिशन है शिफ्टेड बाई 0.5 सेंटीमीटर. तो जो अब आपका दोबारा न्यू इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमें वो कैलकुलेट करना है. तो अगर न्यू इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी आसान है. न्यू इमेज डिस्टेंस के लिए हम सिंपली, अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.5 से कम हो गया, 9.5 रह गया और माइनस साइन है तो माइनस 9.5. फोकल लेंथ हमने यहाँ निकाली थी तो 5 सेंटीमीटर वो है, डिवाइड बाय माइनस 9.5 प्लस 5. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, दिस वैल्यू कम्स आउट अराउंड 10.55 सेंटीमीटर, विच टेल्स मी कि जो फाइनल अब जो न्यू इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ पर बनेगी हमारी, और ये जो इमेज है दैट वुड बी अराउंड 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब फर्दर अवे फ्रॉम द स्क्रीन जो पहले बनी थी. तो हमें अपनी स्क्रीन को यहाँ पे रखना पड़ेगा. सो द आंसर दिस फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 2. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो अगेन ये भी 9 जनवरी में मॉर्निंग के पेपर में ही आया था. अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर किसी ने पहले इसको थोड़ा बहुत सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं किया तो मुश्किल होगा शायद पेपर में करना, स्पेशली उस टाइम लाइन के अंदर. आपको 10 मिनट मिल जाए तो आप शायद इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट उस टाइम लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. सो लेट्स लुक एट दिस. सो द क्वेश्चन इज, हमारे पास एक टैंक है, वो टैंक यहाँ पे उसमें ग्लास है और उस ग्लास के ऊपर हम लोगों ने एक लिक्विड की लेयर कुछ ऐसे यहाँ पर डाली हुई है. तो अब क्या कहते हैं, अब एयर से कुछ रे आ रही है लाइट की, और वो जो रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे बोल रहे हैं कि किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई रे ऑफ लाइट आती है, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कभी भी पोलराइज नहीं हो रही है. जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये कभी भी पोलराइज नहीं हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि ये रे जब आने के बाद इस सरफेस को हिट कर रही है, जब इस सरफेस को हिट कर रही है तो उस पॉइंट पे ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ब्रूस्टर एंगल से पक्का से छोटा है, ना ब्रूस्टर एंगल के बराबर नहीं है. वो हमें यहाँ रियलाइज करेंगे कि वो ब्रूस्टर एंगल से छोटा होगा. सो बेसिकली ऑब्वियसली अगर कंप्लीट प्राइज है तो ये कंडीशन होगी. तो उसके लिए पूछना चाह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये इंश्योर हो जाए.
तो अब मैंने अगेन यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम में ड्रॉ किया है कि यहाँ पे अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एयर और लिक्विड वाले मीडियम में, ये लिक्विड है और यहाँ पे एयर है, जब आफ्टर रिफ्रैक्शन जब हम देखेंगे तो वो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करीब आ रहा है, विच विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ग्लास लिक्विड इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ आर ओवर हेयर दैट मस्ट बी लेस देन ब्रूस्टर एंगल, दैट इज़ द आइडिया जो हमारे को समझ आ रहा है कि दैट एंगल मस्ट बी लेस देन द ब्रूस्टर एंगल। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आर, वो ब्रूस्टर एंगल से अगर कम होगा तो वो रे कभी पोलराइज हो ही नहीं सकती है। तो वो ब्रूस्टर एंगल से कम होने के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई है, हमने कही कि थोड़ा सा इसे चेंज किया है, इसको कही कि हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एवरी वैल्यू ऑफ आर की, हर वैल्यू ऑफ आर की आई की वैल्यू तो बार-बार चेंज हो रही है तो आर की वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर, हम आर की सारी वैल्यू ऑफ आर की जगह हम एक पर्टिकुलर वैल्यू देख सकते हैं विच इज आर मैक्स। क्यों? क्योंकि अगर आर की हर वैल्यू के लिए आर आई बी से छोटा होना है तो आर की अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, आर की मैक्सिमम वैल्यू आई बी से छोटी है तो आर हर वैल्यू से, अगर आर की वैसे वैल्यूज चेंज हो रही है और आई बी यहाँ पे है तो आर की सारी वैल्यूज अगर आई बी से छोटी है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू भी आई बी से छोटी होगी, अगर आर की मैक्सिमम वैल्यू आई बी से छोटी है तो आर की सारी वैल्यूज उसके नीचे हैं वो सब आई बी से छोटी होने वाली हैं, तो हम कह सकते हैं आर मैक्स मस्ट बी लेस देन आई बी। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आर मैक्स मस्ट बी लेस देन आई बी, दो चीज़ें हैं अब यहाँ पे, एक तो ये कि आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये आई हमारा वेरिएबल है यहाँ पे जो हम एयर लिक्विड इंटरफेस पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम इस आई को 90 डिग्री कर दें, अगर इस आई को हम 90 डिग्री कर दें तो दैट वुड इम्प्लाई कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम आई को यहाँ पे 90 डिग्री कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, अगर आप देखोगे तो 1 sin 90 एयर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू sin 90, स्नेल्स लॉ यूज़ करें सिंपल, इज इक्वल टू म्यू ऑफ दिस लिक्विड इंटू साइन आर, दैट इज सिंपल। तो यहाँ से हमें साइन आर की वैल्यू पता चल जाती है, साइन आर वुड बी इक्वल टू 1/μ1, सो दैट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिमिलरली अब दूसरी चीज़ जो हमें सोचनी है कि ये जो ब्रूस्टर एंगल है आई बी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा बी जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होगी। सो नॉर्मली अब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि नॉर्मली तो हम देखते थे एयर ग्लास इंटरफेस या एयर लिक्विड इंटरफेस होता था, यहाँ पे इन्होंने एयर और लिक्विड और ग्लास का इंटरफेस बना दिया है। सो बेसिकली वो टैन इनवर्स म्यू होता था, अब यहाँ पे म्यू क्या करना पड़ेगा आपको, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेना पड़ेगा, विच विल बी म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर। सो अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्मूला है ब्रूस्टर एंगल का है वो थोड़ा कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, एंड आई बिलीव यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड देन दिस इम्प्लाइज कि आर मैक्स मस्ट बी लेस देन थीटा बी। तो अब ये थीटा बी की वैल्यू टैन इनवर्स के फॉर्म में है, साइन आर की वैल्यू हमें पता है, आप इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि साइन आर साइन ऑफ, अगर आप दोनों साइड साइन ले लें तो हमें पता है साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन ऑफ आर मैक्स मस्ट बी लेस देन साइन ऑफ थीटा बी। तो अगर मैं कहता हूँ साइन ऑफ आर मैक्स मस्ट बी लेस देन साइन ऑफ थीटा बी, तो हम इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब अगर साइन ऑफ आर मैक्स इज लेस देन, वहाँ पे हमारी जगह थोड़ी सी कम हो गई है, सो दैट वुड बेसिकली इम्प्लाई 1/μ1 मस्ट बी लेस देन साइन ऑफ थीटा बी। क्या होगा, थीटा बी ऐसा एंगल है जिसका टैन μ2/μ1 है, तो ये μ2 है, ये μ1 है और ये थीटा बी एंगल है, तो हम यहाँ से साइन थीटा जब हम देखेंगे तो दैट वुड बी μ2/√μ1² + μ2² वी विल बी एबल टू राइट दिस। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा हमें, μ2 की जो वैल्यू 1.5 हमें गिवन है, तो वी कैन पुट दैट ओवर हेयर, सो दिस विल बिकम, अगर हम देखेंगे तो दिस विल बेसिकली बिकम μ1² + μ2² विच इज़ μ1² + 2.25 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर विच इज़ 2.25 टाइम्स μ1² अगर आप देखोगे तो दिस विल बिकम 1.25 टाइम्स μ1² मस्ट बी ग्रेटर देन 2.25 विच वुड इम्प्लाई μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन 3/√5। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा विच इज़ बेसिकली आंसर नंबर 4। तो अगेन द क्वेश्चन वॉज स्लाइटली ट्रिकियर बट आई होप आपको ये समझ आएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आई कैन री लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन, आई होप आई एम क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट
we have two plane mirrors which are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror is parallel to the second mirror. So ये दो मिरर्स हैं हमारे पास अगर हम देख रहे हैं, ठीक है. तो अब हमने एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट किया सच दैट इट इज़ पैरेलल. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. दोनों लाइंस पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है मिरर्स के बीच का तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है. एंड नाउ एंड इज़ फाइनली रिफ्लेक्टेड. अभी क्या यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बोला है कि ये जो रे है वो पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, मतलब ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल रहती है, मतलब ये एंगल भी यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा अगर हम देखने की अगर एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. आपको बताना है एंगल बिटवीन द टू मिरर्स क्या होना चाहिए. तो अगेन इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. द आइडिया इज अगर ये रे यहाँ पैरेलल हो रही है तो आप ये देख सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल आप देखेंगे तो थीटा हो जाएगा सिंपली. सिमिलरली हम देखेंगे तो हम ये भी गेस कर सकते हैं कि अगर ये रे पैरेलल हो रही है विच मीन यहाँ पे नॉर्मल लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो शायद हम ये भी देख पाएंगे कि दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. इसके पैरेलल लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही थी. तो एक सेकंड, ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो. कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा सिंपली बिकॉज ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं अगर आप चेक करेंगे तो. सो दैट्स फाइन, आई होप इट्स ओके. एंड देन इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं कि सॉरी, सो बेसिकली अगर हम हल्का सा इसे डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है. तो वो दोनों ऑब्वियसली दोनों बराबर हैं तो ये दोनों थीटा बाई टू हो जाएंगे, विच वुड इम्प्लाई कि ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा बाई टू हो जाएगा. एंड जैसे ही हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये वाला एंगल इज 90 माइनस थीटा बाई टू, वी कैन से कि इन तीनों एंगल्स का सम थीटा, ये जो तीनों एंगल है ए बी और सी, इन तीनों के सम को आई कैन से दिस विल बी 180 डिग्री. थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच वुड इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. दैट विल बी योर आंसर. क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये जो थीटा एंगल आ रहा है थीटा बाई टू डिवाइड होगा और यहाँ पे जो एंगल बचेगा वो नॉर्मल से नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो 90 माइनस थीटा बाई टू एंगल बच जाएगा. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग दैट वी लुक इन टू, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेव ऑप्टिक्स. It was in the evening session of 9 January paper. In a YDSA experiment, slits को हमने 0.320 meter apart किया हुआ है, जो D मैंने mark किया, that is 0.320. अब 500 nanometer की wavelength की एक light है जो इसमें incident हो रही है हमारे पास यहाँ पे. और जब भी light incident हो रही है तो अब यहाँ से total number of bright fringes that are observed in the angular range -30 degree to +30 degree कितनी होंगी. ये question है हमारे सामने कि -30 degree से +30 degree के बीच में कितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमें कितनी मिलेंगी. तो अब अगेन अगर हम देखते हैं 30 degree की बात करते हैं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो ये लेंथ है डी. अब यहाँ पे 30 degree एंगल अगर किसी कोई रे किसी 30 degree एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो अगर आप नोटिस करोगे कि इन दोनों के बीच में जब हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो दैट वुड बी दिस डिस्टेंस. एंड आपने आई बिलीव ये देखा होगा कि एंगल थीटा हो जाते हैं, दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये जो उनका पार्ट डिफरेंस है दैट पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा. और अगर हमें ये समझ आ जाता है कि जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज डी साइन थीटा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दैट वुड बिकम वट एवर. सो डी और साइन 30 डिग्री के लिए डी इंटू साइन 30 डिग्री ऐसे कुछ हमारे पास आ जाएगा. और इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, वो क्यों देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर पॉइंट पे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा. तो अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने लैम्डा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे है, सो यहाँ पे पहले जीरो है या फिर लैम्डा है या टू लैम्डा है पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है, तो इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ लैम्डा दैट पार्ट डिफरेंस है, तो वो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज डी साइन 30 degrees ओवर लैम्डा. तो अब जैसे एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी टी इज 0.320 इंटू 10^-3 इंटू, अगर हम साइन 30 degree देखते हैं तो वो हाफ है एंड डिवाइड बाय लैम्डा की बात करते हैं तो 500 nanometer है, दैट इज 500 × 10^-9. जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस एन की वैल्यू विल कम आउट टू बी 320, विच मीन्स इस दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट दिस पॉइंट जो पार्ट डिफरेंस है वो 320 लैम्डा है.
और अगर इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 320 लैम्डा है, विच मीन्स यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज आई, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आई, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आई, ऐसे करते करते आपके पास 320 ब्राइट फ्रिंज वाले पोजिशन ऊपर हैं, प्लस सिमिलरली क्या कहते हैं वो -30 डिग्री तक यहाँ जाना है ऐसे, तो यहाँ पे भी पक्का से ऐसे होगा कि -320 लैम्डा पार्ट डिफरेंस वाली पोजीशन होगी, 320 पोजीशन यहाँ पे आ गई +1. सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज वाली क्वेश्चन आ जाएगा, दैट वुड बेसिकली बी इक्वल टू 320 इंटू 2 +1, कौन सा 0 पे जो है. सो दिस विल कम आउट टू बी 641 ब्राइट फ्रिंजेस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 641 ब्राइट फ्रिंजेस अगर हम जब देखते हैं तो. सो आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिस एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन अचीव हो सकती है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर. मतलब अब ये क्या बात है, ये हमने सुना है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से कि एक इलेक्ट्रॉन की भी कुछ वेवलेंथ होती है जब वो मूव करता है, तो डुअल नेचर है कि पार्टिकल की भी कुछ वेवलेंथ होती है, पार्टिकल ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव, तो उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, दैट इज रिलेटेड बाई द फॉर्मूला एच बाई पी. तो अब वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ विड्थ, इतनी विड्थ अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिजॉल्व करनी है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए. तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी चाहिए होगी इतनी वेवलेंथ के लिए, तो अब एनर्जी कितनी चाहिए होगी इतनी वेवलेंथ के लिए, तो हम निकाल लेते हैं कि अगर लैम्डा इज दिस तो फिर हम ही कह सकते हैं मोमेंटम इज एच बाई लैम्डा, तो मोमेंटम ऑब्वियसली हम एच बाई लैम्डा डाल सकते हैं. एंड एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो एनर्जी वुड बी पी स्क्वायर बाई 2m. आई होप आपने ये अपना नॉर्मली मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा पी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर में आप वी को पी बाई एम डालेंगे तो वहाँ से भी आप ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं. तो दिस बिकम्स एच स्क्वायर 2 times m times lambda square अगर आप देखेंगे. और ये एनर्जी एक्चुअली जूल्स में है. आपको इसे अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है आपको, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में है, तो आपको यहाँ पे उसको यू विल हैव टू राइट इट एज ई बाई ई, जो हमारे पास ये वाला ई था, तो दैट बिकम्स एच स्क्वायर अपॉन 2 m e lambda square. तो इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज 6.63 × 10⁻¹¹. इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू हमें पता है दैट इज 9.1 × 10⁻³¹. ये ई की चार्ज और इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 × 10⁻¹⁹. तो अगर आप देखोगे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सो ये भी पता है, तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इट. दिस विड कम अराउंड समवेयर अराउंड 25 kilo electron volts. दैट विल बी द क्लोजेस्ट आंसर दैट वी कैन गेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई होप ये भी हमारे को क्लियर हो रहा है. सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे टफ है, अदरवाइज द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू, वुड हैव बीन एबल टू डू इट. मूविंग ऑन, वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10 January मॉर्निंग सेशन में आया था. एक YDSC एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स के बीच का सेपरेशन हमें गिवन है और बोला गया कि एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होती है 1/40 radian पे, विच मीन्स अब आप देख सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज अगर ऑब्जर्व हो रही है 1/40 radian पे, तो पार्ट डिफरेंस एट एनी एंगल, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो हम लिख सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस एट एनी एंगल इज d sin थीटा. अब 1/40 radian काफ़ी छोटा एंगल है, तो आप इसके लिए पार्ट डिफरेंस को ऑलमोस्ट d थीटा ही लिख सकते हो. अब साइन ऑफ 1/40 तो हम नहीं निकाल सकते, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसा कुछ कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व हो रही है तो दिस पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा. तो यहाँ से आप काफ़ी आसानी से देख पाएंगे कि जो पार्ट डिफरेंस है d थीटा, d की वैल्यू इज 0.1 × 10⁻³ एंड थीटा इज 1/40. तो आप जब इसे थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब 2500 नैनोमीटर आ जाएगा. नैनोमीटर के लिए अगर 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, तो यू विल गेट 2500 नैनोमीटर. तो ये पार्ट डिफरेंस इस पोजिशन पर. और इस पोजिशन पर अगर ब्राइट फ्रिंज आ रही है तो पक्का से जो लैम्डा होगा वो पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाई लैम्डा वुड हैज़ टू बी एन इंटीजर. सो दैट इज़ दी आइडिया. तो अभी पूछा गया है, अब उसके बाद जब हमने वेवलेंथ चेंज करी तो लैम्डा डैश जो फिर दूसरी वेवलेंथ पे भी हमें उसी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज नज़र आ रही है, तो मतलब ये दोनों वेवलेंथ्स वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2500. सॉरी मतलब इन वेव ये 2500 हैज़ टू बी एन एन लैम्डा बिकॉज ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व हो रही है. तो जो 2500 नैनोमीटर दैट हैज़ टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दीज वेवलेंथ्स. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अब उसकी वैल्यू क्या होगी, वो पूछ रहे हैं वेवलेंथ्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए उनकी, तो अब ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे हमें जो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जो 2500 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं बिटवीन 380 to 740. बिकॉज बोला गया है कि उनकी वेवलेंथ विजिबल रेंज में, तो हमें पता है कि 380 से 500 नैनोमीटर के बीच में ही उनकी वेवलेंथ, सॉरी 750 to 740 नैनोमीटर के बीच में ही वेवलेंथ आने वाली है. तो अगर इसे करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, n = 1 पे देखोगे तो 2500 नैनोमीटर आ रहा है, n = 2 पे देखोगे तो
1250 आ रहा है, वो भी एक रेंज से बाहर है. n इक्वल टू 3 पे देखोगे तो फिर 2500 बाई 3 6 सॉरी 2500 बाई 3 कुछ 800 समथिंग आ रहा है, ये भी नहीं होगा. n इक्वल टू 4 पे जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे n इक्वल टू 4 के लिए 2500 बाई 4 दैट इज 625 नैनोमीटर, ये पॉसिबल है. फिर n इक्वल टू 5 पे जब हम देखेंगे तो 2500 बाई 5 विच विल बी 500 नैनोमीटर, ये अगेन पॉसिबल है. n इक्वल टू 6 पे जब हम देखेंगे दैट विल बी 2500 बाई 6 विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 417 नैनोमीटर्स, ये भी पॉसिबल है. फिर n इक्वल टू 7 पे जब हम देखेंगे तो 2500 बाई 7 विल बी लेस देन 380, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा. मतलब अगेन आई डोंट कैलकुलेटेड दिस, सो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं हम कैलकुलेशन वाइज, बट ठीक है. तो इवेंचुअली जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें समझ आ जाएगा कि दीज आर दी ओनली पॉसिबल वेवलेंथ. इसमें जब ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 380 आ रहा है, ये नहीं हो सकता. 625 और 500 आ रहे हैं तो ये हो सकता है, 400 500 ये नहीं हो सकता, 380 500 नहीं हो सकता. तो 2 इज़ द ओनली करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि पाथ डिफरेंस हैज टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. तो वो लैम्डाज की हमने वैल्यूज निकालनी हर एक इंटीग्रल मल्टीपल के लिए क्या क्या पॉसिबल है, और हमें पता चल गया जब रेंज से बाहर चले गए तो कि वही पॉसिबिलिटीज थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज वी हैव अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड फोकल लेंथ एफ वन. ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है इसका और इसकी फोकल लेंथ है एफ वन. तो ऑब्वियसली दिस विल बी रिलेटेड विद दिस रिलेशन, म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, ऐसे कुछ इसकी फोकल लेंथ होगी. सिमिलरली एक अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है वन बाई एफ टू, विच इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, म्यू टू माइनस वन, और यहाँ से जब हम जाएंगे तो वन बाई माइनस आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, ऐसे कुछ आएगा. सो ऐसे कुछ है. एंड देन इट इज़ गिवन टू अस दैट देयर फोकल लेंथ्स आर रिलेटेड इन विद द रिलेशनशिप एफ वन इज इक्वल टू टू एफ टू. तो अगर आप देख रहे हैं एफ वन इक्वल टू एफ टू फोकल लेंथ का रिलेशनशिप है, सो दैट वुड ऑल्सो इम्प्लाई कि वन बाई एफ टू इज इक्वल टू टू बाई एफ वन. जिस रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, लेट्स सी. वन बाई एफ वन इज म्यू वन माइनस वन अपॉन आर, वन बाई एफ टू वुड बी म्यू टू माइनस वन अपॉन, सॉरी टू बाई एफ वन करना है हमें, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन आर. अब इस थोड़ा से देखेंगे ये माइनस आर था, बट फोकल लेंथ एज सच वो मैग्नीट्यूड ही होता है फोकल लेंथ का एज सच, तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले को. तो अगेन आर आर कैंसिल हो गया, फाइनली यू गेट अ रिलेशनशिप दैट टू म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू वन. सो विच अगेन इफ वी लुक इन टू दिस इज टू म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू वन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू डू इट प्रॉपरली यू विल गेट अ रिजल्ट वेरी इजिली. इसमें एक गलती पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लें, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो मेरी साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है कि वो प्लस माइनस क्या है, सो इसलिए यू ऑब्वियसली हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है. इन जनवरी इवनिंग में आया था. द आई कैन बी रिगार्डेड एज सिंगल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. एक आई को ऐसे एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस की तरह इमेजिन किया जा सकता है. बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34 है. अब ये बोला गया है कि इसका रेडियस कुछ हमें गिवन है कि 7.8 मिलीमीटर है. तो अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कम टू फोकस. मतलब अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आती है तो वो किस पर्टिकुलर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आके फोकस करेगी. तो हमारे को ये डिस्टेंस बेसिकली निकालना है. तो वो भी निकल जाएगा काफ़ी सिंपली. हमें पता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस के लिए ये वाला फॉर्मूला ट्रू होता है. तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो इसमें बस वैल्यू डालनी है हमें. हमें वी निकालना है, म्यू टू हमें पता है कि 1.34 है, v निकालना है, माइनस म्यू वन इज वन, और ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी तो उसका ऑब्वियसली u हैज़ बिकम माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी बोल सकते हो बट वो जीरो ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा. म्यू टू माइनस म्यू वन जब हम देखेंगे तो 1.34 माइनस वन डिवाइडेड बाई r इज 7.8 मिलीमीटर. तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1.34 × 7.8 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 0.34. जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो करीब करीब 31 मिलीमीटर के आसपास आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर. तो विच अगेन इज दिस आंसर.
यहाँ पे आपकी रे कोइंसाइड करेगी एक्सिस के साथ. तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, यहाँ वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा कुछ 3.1 सेंटीमीटर कुछ आ जाएगा. सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड देर इज़ नो कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं. तो वेव ऑप्टिक्स में जब हम देखेंगे, एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का है, कंसिडर अ YDSC एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस डी है, मतलब स्लिट्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, और जो स्क्रीन है वो इस स्लिट के प्लेन से 2D डिस्टेंस दूरी पे है. ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि डी कितना होना चाहिए ताकि हमें इस पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमा मिले. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है. तो इस पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमा मिलने के लिए जो पाथ डिफरेंस है एट द पॉइंट पी, दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई टू. जो पाथ डिफरेंस है उस पॉइंट पे, दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई टू. अनदर थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये वाली लाइन की लेंथ निकाली है विच इज दिस, एंड देन दिस लेंथ इज 2D. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आई एम गेटिंग द पाथ डिफरेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो काफ़ी सिंपल है, या हम धीरे डायरेक्टली dx/d वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये जो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट, मतलब जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स. तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस, एंड देन वंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिकम्स √5 - 2d इज इक्वल टू λ/2, विच विल टेल अस कि d की वैल्यू जो है वो λ/2 टाइम्स √5 - 2 होनी चाहिए. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी. सो मोस्टली आप इन क्वेश्चन को देख रहे हैं तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, यू विल बी एबल टू डू देम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेव ऑप्टिक्स में का क्वेश्चन है अगेन, ये 11 January के मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ. द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू द इंटेंसिटी एट द सेंटर कितनी होगी. तो अब नॉर्मली तो हम ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितनी इंटेंसिटी होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव कंप्लीटली इंटरफेरेंस में कितनी इंटेंसिटी होगी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो अब इसमें कह रहे हैं कि किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वेवलेंथ 1/8 जो पाथ डिफरेंस है 1/8 लैम्डा है, तो वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी क्या होगी. तो अब एक चीज़ है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है ये पता होना चाहिए आपको. अगर ये नहीं पता तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप. तो अब इस फॉर्मूले में क्या है, I = 4I0. I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स, cos² (Δ5/2). (Δ5/2) के (Δ5) (Δ5) इज द फेज डिफरेंस. अब (Δ5) निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पाथ डिफरेंस दिया है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस अगर λ/8 है तो आपका जो फेज डिफरेंस है दैट वुड कम आउट टू बी π/4. और अगर फेज डिफरेंस हमारा π/4 आ रहा है तो वी कैन पुट दिस इनटू द फॉर्मूला एंड वी कैन गेट दैट आवर इंटेंसिटी इज 4I0 cos² π/8. अगर हम देखेंगे विच अगेन हमें निकालना तो रेशियो है I/4I0 का रेशियो निकालना है क्योंकि 4I0 इज ऑब्वियसली द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी देयर विद फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा. तो दैट वुड बिकम cos² π/8. और जब आप cos² π/8 की वैल्यू अगर आपको याद है तो यू कैन पुट दिस ओवर हियर, बट आई डोंट थिंक हमें याद होगी. यू कैन वी कैन राइट इज 1 cos π/4 / 2 विच बिकम्स √2 + 1/2 √2. √2 बेसिकली समथिंग लाइक दैट. सो अगेन व्हेन यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू दिस वुड कम अराउंड 0.85 विच इज एग्जैक्टली द आंसर दैट वी आर लुकिंग एट लुकिंग फॉर. सो 0.85 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो वी कैन सी दैट it's again a very easy question. I believe you should be able to solve this. You need to so the next question is the question in 11 January paper in the morning. It says ki hame variation of refractive index of a crown glass thin prism bataye ki kehte hain kuch with wavelength hame de rakha hai to lambda ke sath refractive index kuch aise kam hota ja raha hai. aapse pucha gaya ki angle of deviation कि मिनिमम वैल्यू और लैम्डा का ग्राफ कैसा आएगा. अब डिविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्राफ तो हमें पता है. अब देखो थिन प्रिज्म बोला हुआ है तो हम ऐसे डिविएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर ही सकते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन और म्यू का रिलेशन पता है, पर अब लैम्डा के साथ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. तो अगेन इफ़ यू कैन लुक इन टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है इसमें बढ़ रहा है,
इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें कॉनकेव अपवर्ड्स है, इसमें कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है. तो इन ऑर्डर टू जज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं कि जब लैम्डा इंक्रीज होगा तो म्यू क्या क्या होगा. म्यू विल बी डिक्रीजिंग, सिंपल सी बात है. जब लैम्डा इंक्रीज होगा सो दैट वुड इम्प्लाई कि म्यू डिक्रीज हो जाए. मतलब ऑब्वियसली जब लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो म्यू डिक्रीज हो रहा है, विच अगेन फ्रॉम दिस ग्राफ एंड देन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर म्यू डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिविएशन भी कम होगा. ऐसा होता हुआ सिर्फ एक ही ग्राफ है जिसमें ऐसी चीज हो रही है. तो अगेन द क्वेश्चन, अगर यहाँ पे नीचे में कॉन्वेक्स कॉनकेव कर देते तो हमें म्यू को 1/लैम्डा का एक्सप्रेशन टाइप कुछ डालना पड़ता एंड इट वुड हैव मेड द क्वेश्चन स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड. बट अगेन दिस इज बिकॉज दिस बिकम्स वेरी इजी बिकॉज जिसमें एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग लैम्डा वो एक ही ऑप्शन है. तो आई रियली यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. अगेन मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 meters फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 meters. The lens forms an image of an object. If the object moves away from the lens, object move कर रहा है 5 meters per second पे, तो direction of speed and direction of image क्या होने वाली है. So that is the situation. तो हमारे पास question में ऐसा कुछ है कि एक object है जो यहाँ 20 meters दूरी पे है, इसकी image जो बन रही होगी that would be moving, कहीं यहाँ पे image बन रही होगी इस object की, और अब ये object lens की तरफ 5 meters, ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 5 meters per second से मूव कर रहा है. आपको बताने की इमेज की कितनी वेलोसिटी, ऑब्वियसली लेंस की पोजीशन चेंज हो रही है तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी. इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटीज वी कैन सिंपली डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन. ये रिलेशन है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, हम सीधे सीधे यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इट बिकम्स -1/v² dv/dt दैट इज इक्वल टू माइनस, इसको इधर ले जाते हैं, 1/f का डेरिवेटिव जीरो होने वाला है, into du by dt, which tells me that velocity of image will be equal to v square upon u square times velocity of object. तो अब अगेन इवेंचुअली देखो मैं और v by u की बात करता हूँ तो v मुझे पता है uf upon u plus f होता है लेंस के केस में, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं velocity of image will be equal to f upon u plus f का square टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अब एफ अपॉन यू प्लस एफ मीन्स एफ की वैल्यू इज 0.3 एंड यू इज -20 + 0.3 का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जब हम यहाँ देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज +5 या फिर लेट्स से -5 बोल देते हैं, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव बोल देते हैं डायरेक्शन को, वो नेगेटिव है भी इन टर्म्स ऑफ आर नॉर्मल साइन कन्वेंशन, -5 meters per second. तो अगर आप यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी -1.16 × 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड, टेलिंग यू कि इमेज इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 1.16 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. तो ये जो वेलोसिटी है अगर आप देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंड दिस इज टूवर्ड्स द लेंस. देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव ही आ रहा है. आप देख सकते हो कि इनका पॉजिटिव ही होगा ना वैल्यू, तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. तो आप देख सकते हो कि इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में ही होंगी. तो फिर यू कैन सी कि फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC एक्सपेरिमेंट में ग्रीन लाइट इस्तेमाल करी गई है जो डबल स्लिट पे फॉल करती है, जहाँ पे जो स्मॉल डी है वो 19.44 micrometers है. ठीक है, एंड देन विड्थ ऑफ दैट स्लिट, मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे पास ऐसे मतलब सपोज इफ वी हैव सॉरी सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो अगेन हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो 19.44 micrometers है और जो इंडिविजुअल स्लिट है उसकी जो विड्थ है वो 4.05 micrometers है. तो अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ ब्राइट फिंजेस कितनी आएंगी हमारे पास बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डिफ्रैक्शन मैक्स मिनिमा. तो अब डिफ्रैक्शन मिनिमा की जब हम बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन मिनिमा कहाँ पे आएगा, अगर हम नोटिस करेंगे तो डिफ्रैक्शन मिनिमा इस वाली स्लिट के लिए एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं. इस वाली स्लिट के लिए हम जब देखेंगे तो एक डिफ्रैक्शन मिनिमा वुड बी एट यहाँ से λ/a डिस्टेंस पे एंड द अदर डिफ्रैक्शन मिनिमा वुड बी एट 2λ/a डिस्टेंस पे. तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी. एंड अब
इवेंचुअली एंड अब बोल रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आप देख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज के लिए थीटा वाली पोजिशन आएगी दैट मस्ट बी एन टाइम्स लैम्डा बाई स्मॉल डी, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, सो अगर मैं अब कैलकुलेट करूँ सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग कि यू हैव थीटा इज अगेन समथिंग लाइक एन लैम्डा बाई डी. तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये जो मेरी ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं एट थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए. जब मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी डी बाई ए विच वुड बी अराउंड 4.8. एंड सिमिलरली एट थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए जब मैं निकालूंगा एन की वैल्यू तो वो करीब करीब आ जाएगी 9.6. दिस वुड इम्प्लाई कि इस केस में आपका जो एन होगा वो 9.6 कुछ आ जाएगा. तो अगेन एंड देन इफ यू विल ऑब्जर्व दिस तो फर्स्ट और सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में जब देखें तो फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे है, सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमा का यहाँ पे है. इन दोनों के बीच में जब हम देखेंगे तो एक तो ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कहीं 4.8 लैम्डा है और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो 9.6 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है. अगर इस पॉइंट पे देखेंगे और यहाँ पे 4.8 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है. आई कैन एक्सपैंड दिस एंड मे बी शो सर्टेन थिंग्स हियर कि इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है थोड़ा सा ऐसे पतला बना लेते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है यहाँ पे वो हम देखेंगे तो 4.8 लैम्डा है. और इस पॉइंट पे जब हम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू की बात करेंगे तो वो करीब करीब 9.6 लैम्डा होगा, विच मीन्स मैक्सिमा के लिए हमारे पास एक 5 लैम्डा आएगा, 6 लैम्डा आएगा, 7 लैम्डा आएगा, 8 लैम्डा आएगा, 9 लैम्डा आएगा एंड ऑब्वियसली 9.6 बाद में आएगा. सो ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो हमें इन दोनों मिनिमास के बीच में यहाँ पे मिल जाएंगे दोज विल बी 5. सिमिलरली आप देखेंगे कि एक मिनिमा फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे भी होगा और एक और मिनिमा हमारा आगे और 2 लैम्डा बाई ए पे भी होगा. तो 5 यहाँ आए, 5 यहाँ आए, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड डिफ्रैक्शन मिनिमास के बीच में जो आएंगे दैट वुड बी समवेयर अराउंड 10. आई थिंक ये आंसर शायद इसका कुछ गड़बड़ हो रखा है, तो करेक्ट आंसर शुड हेयर बी 10 नंबर ऑफ मैक्स ब्राइट फ्रिंजेस जो हमें दिखनी चाहिए इसके बीच में. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रे ऑप्टिक्स अगेन. सो द क्वेश्चन इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट एट अ सर्टेन एंगल ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म. एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एंगल 60 डिग्री हो गया ऑब्वियसली, एंड इट सफर्स अ मिनिमम डिविएशन. मिनिमम डिविएशन का सफर करने का क्या मतलब है? द रे द आई हैज़ टू बी इक्वल टू ई विच इम्प्लाइज आर वन नीड्स टू बी इक्वल टू आर टू. इनफैक्ट विच टेल्स मी कि क्योंकि आर वन प्लस आर टू हमें पता है ए के बराबर होता है, तो विच टेल्स मी कि आर वन की वैल्यू इज ए बाई टू विच इज 30 डिग्रीज. दैट इज ओके. अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इट्स क्वाइट सिंपल. इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमें आर पता चल गया कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो आपको रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3. तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 sin आए इज इक्वल टू μ sin 30 डिग्रीज विच इम्प्लाइज sin आई इज इक्वल टू √3/2 विच इज आई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आ गया 60 डिग्रीज आ गया. 2 इज द करेक्ट आंसर. बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यू शुड ऑब्वियसली बी एबल टू डू दिस. लुक एट दिस अनदर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कि हमें पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाई दिस लेंस कॉम्बिनेशन निकालनी है. इनकी फोकल लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है, आपको फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है कि जो यहाँ पे बन रही होगी. तो काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है. अगर हम देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ यहाँ पे रेज ऐसे इंसिडेंट होंगी. अब जब ये रेज ऐसे इंसिडेंट होंगी तो इनकी इमेज कहाँ बनेगी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है. तो पहले मिरर के लिए हमें यू पता है कि -20 हो जाएगा साइन वन डायरेक्शन के हिसाब से. फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है. तो वी की जब मैं बात करूँगा तो वी कितना आ जाएगा? -20 × 5/-20+5 विच इज +20/3. 100/15 है विच इज दिस. ठीक है, एंड देन दैट वुड बी 6.67
सेंटीमीटर्स आई बिलीव, सो दैट वुड बी द डिस्टेंस. सो ये जो इमेज है दैट यहाँ से इमेज बनेगी, यहाँ 6.67 ऑलरेडी ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कहीं यहाँ आगे जाके इमेज बनेगी, तो ऐसे कुछ इमेज बनने वाली है. बट अब यहाँ पे बिकॉज ये एक डाइवर्जिंग लेंस से गो थ्रू कर रही है, तो फिर ऑब्वियसली वो कुछ रेज से डाइवर्ज भी होंगी, तो जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी पोजिशन ये नहीं आने वाली है. तो अब हमें निकाल सकते हैं, दूसरा लेंस है उसके लिए निकालेंगे, उस पर रिफ्रैक्शन देखेंगे, तो उसके लिए यू की वैल्यू क्या होगी. तो दिस विल बी द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमारे पास. एंड इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जब हम वैल्यू देखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में वी विल हैव समथिंग लाइक कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर कम होगा, तो टोटल ये 20/3 था माइनस 2, 14/3 सेंटीमीटर करीब करीब ये डिस्टेंस बच जाएगा, विच इज़ मे बी 4.67 और समथिंग. और प्लस ही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन इस वाले लेंस के लिए ये, और इमेज ऑब्जेक्ट लेंस से आगे आगे बना हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली यू विल हैव अ पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस है. सिमिलरली यहाँ पे वी टू की बात करते हैं कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे कितना आएगा इस केस में, तो वो आपको यू पता चल गया, फोकल लेंथ आपको पता है माइनस 5 है, तो माइनस, सो वी कैन सिंपली डू दिस, विच इज 14/3 इंटू माइनस 5 अपॉन 14/3 प्लस माइनस 5, ऐसे कुछ जब हमने किया इसे सॉल्व, तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 70 सेंटीमीटर. आप जो देखेंगे तो आंसर प्लस 70 आ जाएगा, नीचे 1/3 है तो माइनस 1/3 आएगा, तो प्लस 70 सेंटीमीटर आंसर जाएगा, विच इज़ दिस कि 70 सेंटीमीटर इधर इमेज बन रही है राइट में, फाइनल इमेज जो बन रही है आपकी, एंड उसका अगेन एंड देन इट इज़ रियल बिकॉज ऑब्वियसली प्लस है, तो आंसर तो रेज एक्चुअली में कन्वर्ट्स कर रही हैं, तो 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी इस पॉइंट से टूवर्ड्स राइट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ लेंस इक्वेशन, एंड देन डायरेक्टली बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पहले वाले लेंस जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, अकॉर्डिंगली चीज़ लाइन करनी पड़ेगी. लेट्स लुक एट द अनदर क्वेश्चन. रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, 12 जनवरी के पेपर में मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था. अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम अ मिरर. एक मिरर है, वहाँ से एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमने रखा है, ठीक है ना. एंड देन अगर हम देखते हैं अब, और अब क्या हो रहा है कि एक इंसान है जो इस लाइन के लॉन्ग, तो यहाँ मिरर है हमारा, एक सोर्स ऑफ लाइट ऐसे है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्वियसली रेज ऐसे जा रही होगी हर जगह पे, ठीक है. अब एक इंसान इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो आपसे क्वेश्चन है कि इस लाइन के लॉन्ग इस इंसान को वो कितने डिस्टेंस के लिए सोर्स ऑफ लाइट नजर आएगी. बेसिकली क्या सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए कि इससे रिफ्लेक्ट होकर रेज बहुत सारी जगहों पर आ रही होंगी, तो कौन से फार्दस्ट मोस्ट पॉइंट है जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रे इस इंसान की आई में एंटर कर सकती है. एंड अगर वो फिगर आउट कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द लेंथ अलोंग दिस वॉल जो इंसान को नजर आ रही होगी. सो लुकिंग एट दैट, सो आई मेड दिस डायग्राम, आई होप यू कैन सी दिस. ये एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. सो तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो अब मैंने थोड़ा सा बनाया है कि अब सोर्स से इस एज ऑफ द मिरर पर देखते हैं, कोई रे जा रही होगी और ये रे फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो ए टॉप मोस्ट फार्दर टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे दूर वाला पॉइंट हो जाएगा, टॉप में सबसे दूर वाला. सिमिलरली इससे जो रेज आ रही होगी सबसे दूर ये वाली रेज आएगी, सबसे मिरर के कॉर्नर में हिट करेगी और ये फिर ये पॉइंट डी पे जाएगी. तो हमें ये ए डी लेंथ निकालनी है दैट द पर्सन हैज टू, जो पर्सन जिस पे रह सकता है इसको, क्योंकि इसके बीच में तो किसी भी पॉइंट पे कोई रेज आएगी तो इंसान को दिख ही जाएगा उस पॉइंट पे कोई ना कोई रेज आ रही होगी. सो आई होप दैट्स क्लियर. तो अब हम देखें, तो फिर अभी कैलकुलेशन कैसे, बड़ा सिंपल सा है. अगर आप ये ट्राइंगल देखेंगे ओ पी एस और ओ ए बी, ओ बी ए, तो ट्राइंगल ओ पी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए. क्यों? क्योंकि एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है और ये एंगल 90 डिग्री है. तो डबल ए थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो ऑफ साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड सेम होगा, विच बाई विच यू कैन जज दैट कि ए बी वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस. अभी मैंने एकदम से कैसे जज कर लिया, क्योंकि ए बी बाई पी एस हैज़ टू बी इक्वल टू ओ पी बाई ओ बी. अगर हम देखेंगे तो, अगर आप चाहते हो मैं इसे बिल्कुल प्रॉपर लिखूँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई पी एस हैज़ टू बी इक्वल टू ओ बी बाई ओ पी, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो. ओ बी बाई ओ पी में आपको पता है कि ओ बी इज 2L एंड OP is L, तो ये 2 है, तो which tells me कि AB will be equal to 2 times PS. Similarly on this side आप देख पाओगे कि SQ, जो ये वाला जो distance है,
that would be equal to, or sorry, जो सी डी डिस्टेंस है, सी डी वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एस क्यू. अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस जो है वो एस क्यू के डबल हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स अ सिंपल थिंग. एंड टोटल लेंथ अगर आपको निकालनी है, विच इज़ ए बी, अगर मेरे को टोटल ये लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ इंसान इस लाइन पर रह सकता है, सो दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. और अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे ए बी इज टू टाइम्स पी एस प्लस बी सी को आप पी एस प्लस एस क्यू लिख सकते हो, प्लस सी डी को आप टू टाइम्स एस क्यू लिख सकते हो, विच बेसिकली बिकम्स इक्वल टू थ्री टाइम्स पी एस प्लस एस क्यू. एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो पी एस प्लस एस क्यू एक्चुअली में डी है, तो दिस बिकम्स थ्री डी. तो जो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी थ्री डी, की जो ये इस लाइन के अलॉन्ग, थ्री डी लेंथ के अलॉन्ग एक इंसान उस इमेज को ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट को देख पाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज निकल रही है उसके आई में पहुंच पाएंगे. तो अगेन इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मूविंग ऑन, देयर इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज यूजिंग अ बाई कॉन्वेक्स लेंसेज शोन. एक ऑब्जेक्ट है जो फोकस और एफ और टू एफ के बीच में है, एंड देन उसकी इमेज कहीं टू एफ के बियॉन्ड बनती है. काफ़ी ऑब्वियस सा फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए ऑप्टिक्स में, ठीक है. अब इस पूरे सेटअप को अगर हमने वाटर में इमर्स कर दिया, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजिशन को बिना हिलाए हुए, तो अब स्क्रीन पे हमें क्या नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन. तो अगर हम देखेंगे तो स्क्रीन पे आप वाटर में इमर्स करने से क्या होगा, सो वन थिंग विच यू हैव टू इमेजिन, मैंने लिखा हुआ है कि वाटर को इमर्स करने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे पहले म्यू वन की जगह एयर था और अब म्यू वन की जगह वाटर आ जाए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, विच इम्प्लाइज की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी. फोकल लेंथ चेंज होने का क्या मतलब है कि फॉर द सेम यू वी विल चेंज. तो अगर वी चेंज हो जाएगा, विच मे गो टूवर्ड्स द स्क्रीन और अवे फ्रॉम द स्क्रीन और व्हाटएवर, तो इन दैट केस आप देख पाएंगे कि स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज डिस्टेंस सपोजली यहाँ पे आ जाता है, तो ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर रेज कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी. ऑब्वियसली यहाँ चला जाता है तो इमेज डिस्टेंस तो भी स्क्रीन के ऊपर रेज कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी, विच वुड इम्प्लाई कि नो चेंज तो नहीं होगा और इमेज तो मैग्नीफाइड और ये इरेक्ट रियल इमेज भी नहीं मिलेगी, ठीक है. तो फिर इवेंचुअली आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे इमेज डिसअपियर बेसिकली हो जाएगी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन. अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फोकल लेंथ बदल जाएगा, इमेज ऑफ पोजिशन बदल जाएगी उसके हिसाब से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यू कैन लुक एट समथिंग लाइक दिस, जिसकी फोकल लेंथ एफ टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है. दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. एंड सिमिलरली यू हैव अनदर प्लेनो कॉन्केव लेंस जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और फोकल लेंथ एफ वन है. नाउ द आइडिया इज कि बोला है कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे फिट होते हैं, विच मीन्स कि इसका जो आर है और इसका जो आर है वो दोनों बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सेम होंगे. नाउ उनकी प्लेन सर्फेसिस पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे सामने तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेंसेज हैं वो कुछ ऐसे प्लेस्ड है, तो फिट हो गई बिल्कुल. अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है. तो ये फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा कि किसी भी फोकल लेंथ के, किसी भी लेंसेज के कॉम्बिनेशन का, किसी भी नहीं मतलब क्लोज लेंसेज के, थिन लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हम ऐसे इनकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. एंड वन बाई एफ वुड बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस. अब इसमें एफ वन और एफ टू की वैल्यू हमें पुट करनी है सिंपली, तो वो हमें पुट कर सकते हैं. तो वन बाई एफ वन वुड बी इक्वल टू म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाई इन्फिनिटी माइनस वन बाई आर, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो. सिमिलरली इस वाले लेंस के लिए जब देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन बाई एफ टू विल बी इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी. तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं, म्यू वन माइनस वन अपॉन आर माइनस, अगेन यहाँ पर आपको विद साइन पुट करना पड़ेगा, और यहाँ वन बाई एफ टू के लिए म्यू टू माइनस वन अपॉन आर हमें लिखना पड़ेगा, विच वुड इवेंचुअली इम्प्लाई दैट दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. दैट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विच, सॉरी वन बाई एफ इज दिस. तो ऑब्वियसली जो एफ की वैल्यू है वो आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन आ गया. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दीज वर द क्वेश्चन दैट वर देयर इन दिस फ्रॉम ऑप्टिक्स. टोटल 18 क्वेश्चन वर देयर. आई होप आपको समझ आया होगा. कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन ईजी हैं. तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाइसली
उससे भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से सॉल्व करते रहें तो आई एम श्योर कि आप अप्रैल वाले पेपर में भी जो भी ऑप्टिक्स के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे. नॉर्मल मिरर इक्वेशन पे ही क्वेश्चन, मिरर और लेंस इक्वेशन पे ही क्वेश्चंस हैं. जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड देम, हाउ टू सॉल्व देम. और वाईडीएससी इज अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक. वो यंग लर्नर्स विद एक्सपेरिमेंट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू मेक श्योर कि आपको अच्छे से आता है. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. आई होप एवरीथिंग विल बी ग्रेट. थैंक यू.